मैं आप लोगों के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का भी सेशन लेकर के आ जाऊंगा यानी एक दिन में आपकी एक पूरी यूनिट के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे राइट right? ओके okay. गौरव गुड्डू हिमांशु सुफियान रेनू दर्शन सोनिया द बायोमोलिक्यूल्स लवर प्रियांशु खुशी नीतू गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस सेशन ऑन टाइम जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले ही बीस मिनट लेट हो चुके हैं सबसे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं कि हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ फ़िलहाल के लिए अवेलेबल है काफ़ी सारी कोर्सेज़ भी हैं वो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा अभी क्योंकि टाइम कम है लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि आपको मिलेगी वन फिफ्टी में अगर आप पढ़ते हैं अच्छे तरीके से और अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप मेरी एक बात मानिएगा बस नीचे जा कर के यहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा इन द टेस्ट सीरीज़ एक और मेरी बात मानिएगा कि किसी ने सौ लाइक्स पे पांच डिसलाइक मार दिए हैं तो फटाफट एक बार लाइक्स का नंबर बढ़ा दो एटलीस्ट दो सो लाइक्स कर दो तब हम अच्छे तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मेक श्योर टू तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज मेक श्योर टू तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन गेट अ मैसेव रिस्पॉन्स ओवर हिस्सर ऑन दीज फंटेबुलस प्रैक्टिस सेशंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना यार सुबह के जितने भी नोट्स थे वो सारे अपडेट हो चुके हैं आज के जो नोट्स हैं यानी अभी जो आप पढ़ रहे हैं इस यू नो पीटीएफ के अंदर वो सारी की सारी पीडीएफ आने वाले की भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी राइट ओके नायाब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वर ऑसम अरे बहुत बढ़िया काफी अच्छे से बनाई गई थी वो सो आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो फटाफट वीडियो को लाइक करो वीडियो को शेयर कर दो और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना इस वीडियो को देखने के बाद पहला क्वेश्चन आप सब लोगों की स्क्रीन के ऊपर फटाफट मार्क करो चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी राइट दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं फटाफट से बता दो कि क्या होने वाला है असली आंसर दो स्टेटमेंट दी हुई है दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो एंड फटाक फटाक से आंसर बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ यार आंसर क्या होना चाहिए माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ हर जगह पाए जाते हैं इसीलिए इन्हें कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है ये बात एकदम ठीक है दे कैन नॉट लिव इन थर्मल वेंट्स ये थर्मल वेंट में रह सकते हैं कौन रह सकता है आर की बैक्टीरिया रह सकता है वो भी कैसा थर्मोफिलिक आर की बैक्टीरिया थर्मोफिलिक आर की बैक्टीरिया ये बात गलत है तो ए करेक्ट है बी इनकरेक्ट है उत्तर क्या हो जाएगा वन का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू द प्रायस आर डैश इन्फेक्शियस एजेंट प्रायोन की नेचर कैसी होती है प्रायोन प्रोटीन के बने रहते हैं तो आपको पता है प्रायोन्स आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट जैसे वायरस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन और आपका जो वायरॉयड होता है उसमें सिर्फ आपका लो मॉलिकुलर वेट कारण होता है प्रायोन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है तो ये प्रोटीनेशियस माना जाएगा से स्क्रैपी मैड डिजीज क्रोजिफर जेकॉब सिंड्रोम काफी सारी डिजीजेज हो सकती हैं प्रश्न तीन माइक्रोब्स आफ्टर ग्रोथ ऑन ए न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर्म यानी ये खाने पीने की अच्छी सी चीज के ऊपर ग्रो करके माइक्रोब क्या बना लेगा ग्रुप कॉलोनी स्पीसीज या फैमिली एक पर्टिकुलर टर्म यहां पर इस्तेमाल करी जाती है और वो टर्म है बैक्टीरियल कॉलोनी बैक्टीरिया और फंगस भी अपनी कॉलोनी बना सकते हैं और एक कॉलोनी के अंदर जो आपको दिखाई देती है एक एवरेज साइज की कॉलोनी के अंदर टेन रेस टू दी पावर सिक्स टू टेन रेस टू दी पावर सेवन बैक्टीरियम आपको देखने को मिलते हैं ज्यादा कम भी हो सकते हैं बट यूजली हम लोग नंबर काउंट सेंस नहीं कर सकते बैक्टीरिया का तो हम एवरेज इतना ही मान के चलते हैं कि दस लाख से एक करोड़ बैक्टीरियम आपके होंगे प्रश्न चार डैश इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इंटू कर्ड अगर दही जमाना है तो किसको यूज करना पड़ेगा लेक्टोबेलस ओनली ओनली बहुत खतरनाक शब्द है कि लैक्टोबैसिलस के अलावा किसी को यूज नहीं कर सकते लैक्टोबैसिलस एंड अदर माइक्रोब्स यानी के अलावा और भी यूज कर सकते हो यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैटेगरी के, के और भी यूज हो जाएंगे माइक्रोब्स अदर देन लैक्टोबैसिलस या ए एंड सी ओके क्या यूज कर सकते हो फटाफट बताओ एक तो लेक्टोबैसिलस ओनली तो ये तो गलत हो गया ओनली तो नहीं तो ए तो वैसे नहीं हो सकता तो अब आपको सी और बी में से ढूंढना है माइक्रोब्स अदर देन लेक्टो बैसिलस। लेक्टो बैसिलस की तो जरूरत होती है तो ये बात तो करेक्ट थी उत्तर आ गया आपका बी उत्तर आ गया आपका बी जिन लोगों ने डी लिखा है गौर से सुनो पहला ऑप्शन क्या है लेकोबैसिलस ओनली ये ऑप्शन वैसे भी गलत है तो ए और सी में भी ऑप्शन गलत माना जाएगा उत्तर हो जाएगा लेक्टोबैसिलस एंड कुछ अदर बैक्टीरिया जैसे कि लैब कैटेगरी के बैक्टीरिया पांच चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू स्टेटमेंट ए एंड बी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इन टू कर दही जमाने के काम आते हैं एकदम करेक्ट बात है लैब क्रिएट एसिडिक मीडियम नेसेसिटी नेसेसरी टू कॉगुलेट एंड फुल्ली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन ये मेरे दोस्त पार्शली डाइजेस्ट करते हैं तो ये बात गलत हो जाएगी राइट ये बात गलत हो जाएगी ओके okay, तो किसी ने ए लिख दिया है ए नहीं हो सकता दोस्त दोनों बातें करेक्ट नहीं है फुल्ली डाइजेस्ट नहीं करता पार्शली डाइजेस्ट करता है तो ए करेक्ट बीन करेक्ट पांचवे का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा चटा इफ टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क अगर आपको दही जमाना है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड डालना पड़ेगा इसे क्या बोला जाएगा आप सबसे पहले दूध के अंदर जो छोटा सा अमाउंट ऑफ दही ऐड करते हो उसे क्या बोला जाता है एक्सेलरेटर प्रमोटर इनोक्युलम या फिर जर्म इसे कहा जाता है इनोक्युलम राइट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी आप देखते हैं कि जो फ्लॉक्स का थोड़ा सा कॉन्टेंट है अनैरोबिक बैक्टीरिया है वो आगे और पास करी जाती है right, राइट तो इसे इनोक्यूलम बोला जाता है सेवेंथ टू प्रिवेंट कर्ड फ्रॉम गेटिंग शोर विच पैरामीटर शुड बी असेंशली कंट्रोल अगर हम चाहते हैं कि हमारा दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो तो क्या करना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क को कंट्रोल करना है कि कितने दही का दूध कितने दूध का दही बनाना है या फिर अमाउंट ऑफ लैब एडेड इनिशियली या तो इनिशियली कितना दही डाले उस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है घर पे अपनी मम्मी से पूछ लीजिएगा वो बहुत अच्छे तरीके से आपको इस सवाल का जवाब दे देंगी सर्दियों में जब दही जमाया जाता है तो जो बर्तन जो है जिसमें दही जमाया जाएगा उसके चारों ओर कपड़ा लगाया जाता है क्यों क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर है कम लेकिन आपको अच्छा टेम्परेचर देना पड़ता है तो आपको इंसुलेट करना पड़ता है उस कंटेनर को जिसमें आप दही जमा रहे हो इसीलिए आप उसके चारों ओर कपड़ा लगाते हो और एक अलमारी के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर क्लोज जगह पर आप उस कंटेनर को रखते हो जिससे कि बहुत ज्यादा ठंडा वातावरण ना मिल जाए यानी उत्तर क्या है यहाँ पर क्या चीजें मैटर करती हैं क्या चीजें मैटर करेंगी यहाँ पर प्रिवेलिंग टेम्परेचर मैटर करता है राइट और अमाउंट ऑफ लैब एडेड इनिशियली ये भी मैटर करता है लेकिन आप लैब काउंट नहीं कर सकते अमाउंट ऑफ लैब एडेड नहीं अमाउंट ऑफ इनोक्यूल एडेड यहां पे होता तो एक बेहतर स्टेटमेंट होती राइट अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम एडेड तो यहां पे क्या जाएगा inoculum added आ जाएगा आपका आंसर एडेड ना करके टेम्परेचर आ जाएगा लैब लिखा हुआ है वहां पे ओके एट विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय लैब तो ये दो काम करता है लैब दही में दो चीजें एक्स्ट्रा होती हैं एक तो इसमें विटामिन बी वन टू यानी साइनोकोबालमिन होता है और दूसरा ये आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रोब की ग्रोथ को चेक करता है स्टमक के अंदर ये दो एडवांस फीचर थे दही के जो कि उसे दूध से बेहतर बनाते हैं द पफ डप अपियरेंस ऑफ डो

बेकर्स ईस्ट होगा बेकर्स ईस्ट का मतलब सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी तो ईस्ट क्या है ओके okay, इसमें बेकरस ईस्ट नहीं पूछा नॉर्मल ईस्ट पूछ लिया गया है हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड लेकिन यहां पर ऑप्शंस बहुत अच्छे नहीं है यार ईस्ट इज आल्सो अ फंगस राइट ईस्ट जो है वो किस पे किस में आता है एस्कोमाइसटीज में आता है ना एस्कोमाइसटीज क्लास ऑफ फंगस लेकिन अगर एक्यूरेटली देखना है अगर सिर्फ एक ही चीज मार्क करनी है तो क्या होगा ईस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि कन्फाइंड वे में फंगस तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके अंदर ईस्ट जो है इट इज अ ऑर्गेनिज्म तो ब्रेड जिससे बनती है बेकर ईस्ट से वो स्पेसिफिकली अगर आपको बताना है तो बी अदरवाइज सी भी आंसर हो सकता है सी में भी कुछ गलत नहीं है राइट right? लेकिन ये क्या है ये आपकी कैटेगरी है और हमसे पूछा है माइक्रोब तो माइक्रोब आपका ईस्ट में आ जाएगा ये बात है बस तो ईस्ट बिकम्स अ मोर प्रॉमिसिंग ऑप्शन ज्यादा सही ईस्ट है ऑल राइट जरा बेकरस ईस्ट इज सेक्रोमाइसिस सरवाइसी सबसे कॉमन जो ईस्ट होता है तो सेक्रोमाइसिस सबसे कॉमन ईस्ट है इसे ईस्ट है, कहते हैं यानी आपका पेट भर देगा खाने से भी ब्रेड खिला करके और आपका पेट भर देगा पिला पिला के दारू भी दोनों ही चीजों में आपका ये ईस्ट काम आता है सेक्रोमाइसिस सरवाइसिस का नाम है बारह डैश इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक इन साउथ इंडिया साउथ इंडिया में क्या पी जाती है रोबोट पिक्चर देखी है तो ऐश्वर्या राय मैम को पिलाता है एक वो आदमी आकर के ना ताड़ी बोला जाता है इसे जिसे इंग्लिश में टॉडी बोलते हैं राइट right? ताड़ी बोला जाता है जिसे इंग्लिश में टॉडी बोलते हैं ओके okay, मेरा एक थोड़ा सा अर्जेंट कॉल आ रहा है लेट मी टेक दिस अप एक बार मैं उठा लेता हूँ जस्ट मैम फॉर श्योर एक्चुअली राइट नाउ कैन आई जस्ट कॉल यू बैक इन फिफ्टीन मिनट्स ओके थैंक यू मैम ओके मुझे माफ़ करना ओम साई राम यहाँ पे ताड़ी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा यानी उत्तर क्या हो जाएगा आपका बारह का बी ओके okay. अंग्रेज़ों की आवाज़ बड़ी प्यारी होती है यार कुछ भी कहो अंग्रेज़ों की आवाज़ इतनी बढ़िया कि मन करता है एडमिशन ले ही लें <laughs> 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 कहीं कहीं एडमिशन दिलाने के लिए भाई अपन भी कभी कभी मौका मिलेगा तो अंग्रेज़ रिप्रेजेंटेटिव बैठाएंगे भाई इनकी आवाज़ बहुत कन्विंसिंग है तो मना नहीं कर सकते राइट right. यहां पे आता है शी शिला का फ़ोन आता है हेलो सर कार्ड दे दे <laughs> तो तुम्हारा मन भी होगा तो तुम बोलोगे नहीं बहन फाड़ के फेंक दे तू कार्ड हमें नहीं चाहिए <laughs> <laughs> कोई क्रेडिट कार्ड कोई डेबिट कार्ड नहीं और ये इतना आराम से बोलते हैं हेलो सर कार्ड चाहिए आपको अरे मैडम एक काम करो मेरे पिताजी का भी करो एक <laughs> हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं सबका कार्ड बनाओ आप आज आपको पूरा कमीशन दिलाएंगे ओके द ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम विच ट्री पाम ट्री से उसकी फर्मेंटेशन से सैप बनता है उत्तर आ जाएगा आपका पाम ट्री राइट right? एकदम डायरेक्टली एनसीआरटी के थ्योरी बेस्ड चैप्टर है तो कुछ प्रैक्टिकल है नहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उससे पहले सारी थ्योरी चलेगी धड़ाधड़ तो उसी पे फोकस रहेगा फोर्टीनथ ये आया कुछ ये आपका बेसिलस है ये आपका कॉकस है और ये भी आपका सिंस रॉड शेप लिख दिया है तो ये भी आपका बेसिलस है देखते क्या पूछा है द बैक्टीरिया शोन इन फिगर ए एंड बी इनका साइज कितना बढ़ाया हुआ है ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा बट पंद्रह गुना बढ़ाया हुआ है कल हमने देखा था कि इनका जो साइज था यह पंद्रह गुना बढ़ाया हुआ था और यहां पर ये जो था ये बहुत ही ज्यादा बड़ा था तो इसका साइज पचास हजार गुना बढ़ाया हुआ था राइट तो इनका साइज पंद्रह सौ गुना बढ़ाया हुआ ए और बी का नीचे पूछ लिया है कि आपका सी का साइज कितना बढ़ाया हुआ है तो सी का साइज है पचास हजार गुना पचास हजार गुना मतलब यहां पर चार जीरो लग जाएंगे फाइव इंटू टेन टू दी पावर फोर आ जाएगा यहां पर तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वैसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाना ये एक सत्य है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भाई वो तो तुम कितना भी मैग्नीफाई कर सकते हो ना तुम्हें जितनी बड़ी इमेज देखनी है उस हिसाब से तो ये याद करने का कोई लॉजिक नहीं है इसको मत याद करना स्विस चीज बियर्स लार्ज होल ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सीओ टू बाई विच माइक्रोब स्विस चीज में जो बड़े बड़े छेद हैं जैसे पफ्ड अप अपियरेंस ऑफ डो और स्विस चीज के बड़े बड़े छेद सीओ टू के कारण थे किस माइक्रोब की वजह से लेक्टोबैसिलस सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी या एस्परजिलस नाइगर चीज की बात हो रही है दोस्तों तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी आपका यहां पर आंसर आ जाएगा राइट right? आपको यहां पर दही नहीं जमाना है आपको यहां पर शराब नहीं बनानी है यहां पर प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो कि स्विस चीज बनाता है उसका नाम आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा सी प्रश्न सत्रह जस्ट एज स्विस चीज इज इट टू बैक्टीरिया रॉक्यूफर्ट चीज इज इट टू मतलब स्विस चीज अगर आपका बैक्टीरिया से बनता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से तो रॉक्यूफर्ट चीज किससे बनता है अलगी ईस्ट बैक्टीरिया फंगस ये किससे बनता है ओके काफी लोग कर रहे हैं सी काफी लोग कर रहे हैं डी मेरे भाई रॉक्यूफर्ट चीज किससे बनता है पेनिसिलियम रॉक्यूफॉटी राइट या जो कॉम्बर्ट चीज है वो बनता है पेनिसिलियम कॉम्बर्टी तो क्या हो गया ये फंगस हो गया ना

इसका फ्लेवर है तभी आप बता पाते हो कि कौन सा कॉम बर्ड चीज है कौन सा रॉकी चीज है कौन सा स्विस चीज है राइट? तो आप, तो आप बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं आप लोग बड़ी बड़ी वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं सौ से हजार लीटर की वेसल्स का जिन्हें आप फर्मेंटर कहते हैं ये आपका फर्मेंटर कहलाएगा प्रश्न बीस अल्कोहल की बिवरेज जो बनती हैं दे आर प्रोड्यूसड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन ऑफ किस किस चीज़ की फर्मेंटेशन से अल्कोहल यानी शराब बन सकती है माल्टेड सीरियल्स यानी सीरियल से जैसे जवार वगैरह से फ्रूट जूसेस से जैसे एप्पल वगैरह से ग्रेप वगैरह से ऑरेंजेस वगैरह से या फिर वेजिटेबल जूसेस से या बोथ ए एंड बी अब आपका सीरियल तो कंफर्म है जैसे मैंने आपको जवार बोल दिया था राइट फ्रूट जूसेस में आपको पता है एप्पल वाइन बनती है काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी कोई सस्ता पौआ रहेगा तो उसके पास आप देखोगे कि प्लास्टिक की बोतलें पड़ी रहती है ठेके के बाहर ना ऐसे उस पर लिखा रहता है किसी पर संतरी किसी पे लिखा रहता है अंगूरी तो वो संतरी और अंगूरी जो है संतरी मतलब संतरा फ्लेवर अंगूरी मतलब अंगूर फ्लेवर तो वो आपकी लो पेइंग ऑडियंस के लिए बनाया जाता है सस्ता देसी पौवा ठेका शराब देसी व ठंडी बियर पे मिलता है बीस पच्चीस रुपए का आता होगा जितना उसका साइज़ है उस हिसाब से मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है राइट तो यहाँ पर क्या है फ्रूट जूसेस को तो करते ही करते हैं सीरियल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रश्न इक्कीस एस, है, है। क्या हो जाएगा बताओ फटाफट मैंने आपको बताया था सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी पेट भरता है ब्रेड खिला के और प्यास बुझाता है दारू पिला के दोनों ही काम है मल्टीपर्पज ईस्ट है अपना बाइस डैश इज एन अल्कोहलिक बेवरेज विदाउट डिस्टिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. है, तो है, है, है उसमें अल्कोहलिक कंटेंट लेस देन वन परसेंट रहता है इनफैक्ट किसी किसी में नहीं भी होता राइट right? जबकि विस्की ब्रांडी रम जो है इनमें अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा होता है चालीस पैतालीस प्रतिशत भी हो सकता है डिस्टिलेशन से तैयार किए जाते हैं तो वाइन और बियर उत्तर हो जाएगा कोई पूछ पूछ ले डिस्टिलेशन वाले तो वाइन बियर को छोड़ के सारे, राइट? ओके, याद कैसे करें? देखो, में फ्रूट बियर बता दिया तो उसमें नशा नहीं है वाइन में वाइन में में रेड काफी देशों में तो खाने के साथ जो है रेड वाइन कंज्यूम करी जाती है इसका मतलब इसमें उतना अल्कोहल नहीं है बाकी सब में अल्कोहल की बौछार है तेईस पॉइंट द ऑड वन आउट अलग को बाहर निकालो रम बियर ब्रांडी ब्रांडीविस्की अब बियर और वाइन मैंने बताया था आपकी नॉन डिस्टिल्ड है तो इनको अलग निकाल दो बची हुई सारी की सारी डिस्टिल्ड है उत्तर उत्तर क्या क्या हो हो जाएगा जाएगा आपका बियर हो जाएगा उत्तर का का बी एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है एंटी का मतलब अपोजिट बायो मतलब लाइफ यानी अपोजिट टू लाइफ यानी कि अगेंस्ट लाइफ यानी ये बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट होती है हमारे लिए तो ये जीवनदायक है प्रो लाइफ है पेनीसिलीन किन्ों ने डिस्कवर करी थी सबसे पहले पेनीसिलीन डिस्कवर करी थी एलेग्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने ये पूरी दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक मानी जाती है जो फंगल ओरिजन की थी क्योंकि पेनीसिलिन किससे डेवलप करी गई थी पेनिसलियम नोटम से जो कि एक फंगस है जो कि एक मोल्ड है राइट right? तो उत्तर हो जाएगा सी पेनीलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय चांस एज द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग इट रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ किस पे रिसर्च कर रहे थे एलेक्डर फ्लेमिंग साहब ये सवाल है लेक्टोबेसिलसफाइलोकॉकस स्ट्रेप्टोकोकस एस्टरिशा कोलाई

इन्होंने इस मोल्ड को उठाया और प्यूरिफिकेशन स्टार्ट कर दी पेनिसिलिन की नेम पेनिसिलिन वाज गिवन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम मैं आपको बता चुका हूं वही उत्तर हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम यही वो मोल्ड है ये जो है ये पेनिसिलियम नोटेटम है इसी से वो केमिकल निकाला गया जिसको हमने बाद में पेनिसिलिन बोला फुल पोटेंशियल किसने डेवलप किया पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल किसने डेवलप किया तीन लोगों को नोबल प्राइज मिला था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को फॉर द डिस्कवरी और दो लोगों ने इसके फुल पोटेंशियल को क्या किया जस्टिफाई किया अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी साहब ने ऐसा किया था अट्ठाईस का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त बी हो जाएगा तीनों को नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था पेनिसिलिन वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड ड्यूरिंग विच वर्ल्ड वॉर अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए कौन सी वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध के दौरान को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया था जिससे कि वर्ल्ड वॉर जीतने में बहुत मदद मिली 29 का बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट सबका सही है वर्ल्ड वॉर टू इज द करेक्ट आंसर वर्ल्ड वॉर वन बहुत पहले हो चुकी थी थर्टी डैश सोल्जर्स वर एक्सटेंसिवली ट्रीटेड किनको ट्रीट किया गया था सीधी सी बात है अभी मैंने आपको बताया था ना बातों बातों में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट किया गया था यहां से पेनिसिलिन की हेल्प से तो तभी वो ज्यादा जल्दी ट्री, ट्रीट हो पा रहे थे बाकी सोल्जर्स के पास ऐसी कोई दवाई नहीं थी तो एक तरफा लड़ाई जीतने में जंग जीतने में पेनिसिलिन का बहुत बड़ा रोल था इकतीस गल डिजीज किसे कहा जाता है राइट right? आपकी तीन बीमारियों के नाम दिए गए हिंदी में एनसीआरटी में कुष्ठ रोग गलघोटू और काली खांसी तो तीनों में से बता दो भैया गलघोटू किसे कहा गया है गलघोटू किसे कहा गया है डिप्थेरिया ऐसा लगता है कोई गला घोट रहा है चोकिंग हो जाती है गलघोटू, डिप्थेरिया कुष्ठ रोग किसे कहा गया, गया? अब यह बता दो कुष्ठ रोग किसे कहा गया है कुष्ठ रोग कहा गया है आपके लेप्रोजी को कुष्ठ रोग कहा गया है सिट्रिक एसिड कौन बनाता है यहां से क्वेश्चन आएगा भाई एक पक्की बात है यहां से क्वेश्चन एक आता है सिट्रिक एसिड कौन बनाता है आपका ब्यूटायरिक एसिड कौन बनाता है एसिटिक एसिड कौन बनाता है इनमें से एक क्वेश्चन या तो टेबल के फॉर्म में सारे मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन सिट्रिक एसिड कौन बनाता है लैक्टोबैसिलस तो लैक्टिक एसिड बनाएगा सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी आपकी फर्मेंटेशन करेगा क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम नाम में बुटाइलिकम आ रहा है तो ब्यूटाइरिक एसिड बनाएगा बचा क्या आपका बचा आपका एस्परजिलस नाइगर नाइगर बनाता है सिट्रिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी नाम में एसिटो आ रहा है एसिटी आ रहा है तो क्या बनाएगा एसिटिक एसिड बनाएगा बात खत्म कर दो झटपट Which micro acid? अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम में ही ब्यूटाइलिकम आ रहा था तो एसिड बनाता है स्टार्टिंग के चार अल्फाबेट एकदम सेम है छत्तीस फिगर ए में क्या दिखाया गया है ए क्या है मेरे दो छोटी छोटी कॉलोनी है कौन सी कॉलोनी है ये ये है आपकी बैक्टीरिया की कॉलोनी तो ये बैक्टीरियल कॉलोनी और ये जो बड़ी वाली है बी का पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में बड़ी वाली क्या है ये आपकी फंगल कॉलोनी यह आपकी फंगल कॉलोनी है ये हो जाएगी आपकी बी में फंगल कॉलोनी अच्छा अगले में पूछा है तो ये क्या हो गई फंगल कॉलोनी हो गई प्रश्न 38 अब बैक्टीरिया विच इज रिच सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड कौन बनाता है भाई लैक्टोबैसिलस नाम में ही है लैक्टो लैक्टिक एसिड बनाएगा राइट लैक्टो क्या करेगा लैक्टिक एसिड बनाएगा जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा 39 विच एनजाइम प्रोड्यूस बाई माइक्रोब इज एन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन पानी से क्या नहीं धुल सकता पानी से नहीं धुल सकता ऑयल क्योंकि पानी और ऑयल मिक्स नहीं हो सकते तो ऑयल को हटाने के लिए यानी लिपिड को हटाने के लिए क्या चाहिए लिपिड को हटाने के लिए चाहिए लाइपेज जो लिपिड को डाइजेस्ट कर दे तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त बहुत प्यार से लॉजिक से उत्तर क्या हो जाएगा लाइपेज भाई डिटर्जेंट में पानी से तो सारी चीज़ें धुल जाती हैं दुनिया की ऑयली चीजें नहीं धुलती ऑयली के लिए यानी लिपिड्स के लिए लाइपेज डाल दो द फ्रूट जूसेज अवेलेबल कमर्शली ये आपके क्लियर होते हैं और होम मेड वाले उतने क्लियर नहीं होते तो मार्केट वाले क्लियर क्यों होते हैं कौन से एंजाइम ऐड किए जाते हैं लाइपेज एंड प्रोटीज लाइपेज का कोई रोल नहीं है पैक्टिनेज हाइड्रोलेज पैक्टिनेज चाहिए आपका पर हाइड्रोलेज नहीं चाहिए सारी चीजें हाइड्रोलाइज ही हो जाएंगी तो मजा नहीं आएगा प्रोटीएज ज जो आपका हार्ड दिखता है ये साफ हो जाएगा एंड प्रोटीएज से बड़े बड़े कॉम्पोनेट छोटे छोटे सोल्यूबल फिल्टरेबल कॉम्पोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोटीएज क्लियर करते हैं मार्केट की जूस बॉटल्स को प्रश्न इकतालीस विच एंजाइम इज नोन एज अ क्लॉट बस्टर क्लॉट को कौन बस्ट करता है आपकी जो ब्लड वेसल्स है इसमें समझ लीजिए अगर क्लॉट बन चुका है तो ब्लड का जो बहाव है वो रुक जाएगा ब्लड का बहाव रुक जाएगा हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा हार्ट अटैक आ सकता है क्लॉट बस्टर किसे कहा जाएगा आपके स्ट्रेप्टोकाइनेस को राइट right? आपके स्ट्रेप्टोकाइनेस को क्लॉट बस्टर कहा जाता है किस माइक्रोब से बनेगा स्ट्रेप्टोकोकस, पेनिसिलियम या एस्परजिलस नाम पे जाना क्लॉट बस्टर क्या था स्ट्रेप्टोकाइनेस तो बनेगा किससे फटाफट बताओ किस बनेगा भाई नाम में उत्तर ढूंढो ना ज है तो किससे बनेगा स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस से ही तो बनेगा से बन जाएगा राइट कोकस की जगह लगाओ क्लॉट बस्टर तैयार काम खत्म राइट फोर्टी थ्री द एंजाइम स्ट्रेप इज यूज मेडिसिनली टू जो है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है क्लॉट बस्टर के फॉर्म में ना तो यह माइक्रोब्स की बॉडी फ्लूड में ग्रोथ चेक करता है रिमूव ब्लड क्लॉट वीकेंस वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल क्रिएट ब्लड क्लॉट बाई ब्लड क्लॉट क्रिएट करोगे तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी अगर ब्लड वेसल की वॉल वीक करोगे तो कलेप्स हो जाएंगी माइक्रोब की ग्रोथ कैसे कोई लेना देना नहीं है तो ये क्या करता है क्लॉट को रिमूव करता है एक ही बात आपकी करेक्ट है फोर्टी फोर विच ड्रग आर ऑफन एडमिनिस्टर्ड बिफोर एंड आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर आप किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर देख रहे हो तो उसे क्या दिया जाता है भाई कोई फॉरन ऑर्गन रिजेक्ट ना हो जाए और

आंसर हो जाएगा आपका साइक्लोस्पोरिन ए राइट साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो आपका इम्यूनो सप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और बनेगा किस फंगस से साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनेगा पेनिसिलियम नोटाइटम से पेनिसिलिन बन रही थी एस्परजिलस नाइगर से आपका क्या बन रहा था सिट्रिक एसिड बन रहा था ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मापोलिस्पोरम से बन जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मापोलिस्पोरम से बनेगा साइक्लोस्पोरिन ए

क्योंकि आपके बॉडी में जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बनता है ना उस पाथवे के साथ जाकर के छेड़खानी करते हैं कॉम्पिटेटिवली इनिबिट करना स्टार्ट कर देते हैं उस पाथवे को यानी कोलेस्ट्रॉल जो बन रहा था अब कोलेस्ट्रॉल ना बन के कुछ और आपका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि ब्लड में जमा ना होता हो जो कि ब्लड वेसल में जमा ना होता हो तो स्टेटिन कॉम्पिटेटिवली अटैक करती है फोर्टी का आंसर हो जाएगा बी फोर्टी एट मोनेस्कस परस इज कमर्शियली द सोर्स ऑफ परप्यूरियस से क्या मिलता है अभी जिसकी बात हो रही थी वही मिलता है मोनास्कस से क्या मिलेगा भैया स्टेटिन मिलेगा जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट माना जाता है स्टेटिन काम कैसे करता है मैंने आपको बताया कॉम्पिटेटिवली बाइंड करता है तो ना एलोस्टेरिक ना इरिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव एनिबिशन करेगा और कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कम कर देगा जिससे कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी में जमा ना हो पाए तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बस यहां पे याद रखना होता है पचास द मेजर पोर्शन ऑफ वेस्ट वाटर इन सिटीज एंड टाउन इज ज्यादातर जो पार्ट है सिटी और टाउन में वेस्ट वाटर का वो कहां से आता है हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल ह्यूमन एक्सक्रीटा या बोथ ए एंड बी यानी हाउस होल्ड वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट एनसीआर के हिसाब से जाना काफी लोगों का गलत हो सकता है ओके okay, सैफ अली अपना आंसर चेक करो फरहान आंसर चेक करो नेहा आंसर 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 चेक 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 करो 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 रिजवाना दीपा खोलो फटाफट अपनी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमारे साथ जब बैठोगे तो एनसीआर हाथ में मुंह के सामने होनी चाहिए क्योंकि मैं जब आपको रेफरेंस दूंगा तो आपको पता लग जाना चाहिए सैफ अली आफरीन पता लग गया गलती कहां पर थी वेरी गुड एनसीआर पढ़ के भी सवाल ना कर पाना ना ये बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती क्योंकि एनसीआर से सवाल हजारों बन सकते हैं सोच के देखो एक किताब है जो महज तीन पन्ने की है उस महज तीन पन्ने की किताब से पिछले दस साल के नीट के पेपर बने हैं आगे दस साल के नीट के पेपर बनेंगे हर साल यूनिक पेपर बनेगा तब भी कट ऑफ बढ़ती जाएगी कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे क्योंकि ये किताब है ही इतनी डीप समंदर है ये किताब मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम एनसीआर टी दस बार पढ़ो और ग्यारहवीं बार जब पढ़ोगे तो भी कुछ नया मिलेगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कोट कर दो यहां पर जिन लोगों ने एन सी टी पाँच से छह बार पढ़ी है वो मेरी बात से बखूबी एग्री करेंगे कि तुम कितनी भी बार एन टी पढ़ लो एक नया पॉइंट आपको हर चैप्टर में ना मिले ऐसा नहीं हो सकता टाइम के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाती है एन टी की यह किताब अपने आप में ग्रंथ है भाई तो यहां पर क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटा आपका मेन पोर्शन है वेस्ट वाटर का राइट चलिए पचास हो गए हैं थम्सअप दे दो फटाफट म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो नोन एज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को क्या बोलोगे ड्रेनेज सीवेज स्पिलेज गटर ये तो सारे ऑप्शन चवन प्राच है आपका एक ही है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी आप इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो सीवेज इसे बोला जाता है राइट right? सीवेज आप इसे बोलते हैं जो हमारे घरों से म्युनिसिपल वेस्ट निकलता है उसे सीवेज इज ट्रीटेड इन जैसा मैंने अभी बोला सीवेज कहां ट्रीट किया जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसटीपी ठीक है एसटीपी स्टैंड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पता नहीं घुमा घुमाकर एक ही क्वेश्चन क्यों दे रखा इतना इंपॉर्टेंट तो है भी नहीं फिफ्टी फोर विच माइक्रोब्स हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट दिस इज इंपॉर्टेंट ऑटोट्रोफिकोट्रोफिक सिंबिक या सेप्रोफिटिक सिर्फ लॉजिक चलेगा यहां पर ओनली लॉजिक शुड वर्क ओवर हिस्सा ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक भाई हेट्रोट्रॉफिक ना देखो यहां पर कचड़ा पड़ा है पानी के अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर ये कचड़ा है गंदगी है ठीक है अब इस ऑर्गेनिक मैटर को कोई बैक्टीरिया कब खाएगा जब वो खुद का खाना नहीं बना सकता अगर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होगा तो खुद का खाना बनाता रहेगा ऑर्गेनिक मैटर उतना का उतना ही रहेगा इसमें कोई रिडक्शन नहीं होगी अगर आपको ऑर्गेनिक मैटर पे बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरिया क्या हो हेटेरोट्रॉफिक हो भैया इसके पास कुछ खाने को नहीं है तो ये ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करके अपनी एनर्जी निकालने की कोशिश करेगा तो हेट्रोट्रॉफिक इज द राइट आंसर क्वेश्चन फिफ्टी फाइव सीवेज ट्रीटमेंट इज डन इन हाउ मेनी स्टेजेस कितनी स्टेजेस में सीवेज ट्रीटमेंट होता है टोटल प्रोटोकॉल कितने फेजेस का है ओके सी एब्सोल्युटली करेक्ट दो आपके स्टेजेस होती है पहली आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसमें आप मेन मेन छोटे मोटे काम करते हो और दूसरा है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसमें आप बैक्टीरिया को फंगस को लेके आते हो इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है अच्छा क्या बोलते हो एक बार रिवाइज करवा दू पूरा का पूरा क्योंकि okay. अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मान के चलो अगले सारे क्वेश्चन आएंगे दस बारह क्वेश्चन आएंगे तो एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा गैप के साथ यहां पे इकट्ठा समझ लेते हैं राइट right? इकट्ठा समझ लेते हैं समझो भाई इस बात को आपके पास एक पाइप है जहां से एक जगह पे सीवेज इकट्ठा हो रहा है सीवेज इकट्ठा हो रहा है अब ये जो गंदा पानी है इस गंदे पानी के अंदर कुछ बड़े बड़े कॉम्पोनेंट हैं जैसे भाई किसी के दाएं पैर की चप्पल ऊपर तैर रही है किसी की पन्नी ऊपर तैर रही है इसके अलावा किसी का कुछ बैग है जो यहाँ पे तैर रहा है या फिर कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल जो यहाँ पर पानी के ऊपर आपको अलग से दिख जाता है ठीक है नीचे क्या है मेरे दोस्त यहाँ पर आपके नीचे मिट्टी है कीचड़ है यानी कि आपका सॉइल ग्रेट ग्रेवल सिल्ट वगैरह मौजूद है और बीच में क्या हो जाएगा बीच में आपका गंदा पानी हो जाएगा जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है गंदे गंदे बैक्टीरियम्स हैं जो आपके बाथरूम वगैरह से रिलीज होते हैं राइट तो यहां पर क्या हो गया जो ऊपर की चीज़ है इसको क्या करोगे फिल्टर कर लो भाई बड़ा साइज़ है ना इन पार्टिकल्स का फिल्ट्रेशन करोगे ऊपर की चीज़ें सारी रिमूव हो जाएंगी नीचे का क्या करो नीचे सारी जमा हो जाएंगी एक कांच का ग्लास लो उसमें पानी डालो साफ उसमें मिट्टी मिला दो आधे घंटे के लिए ग्लास को रख दो मिट्टी सारी नीचे सेटल हो जाएगी आपका साफ पानी ऊपर रह जाएगा नीचे जो मिट्टी चली जाती है उसे कहते हैं सेडिमेंट तो ये क्या हो जाएगा सेडिमेंटेशन हो जाएगा ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट फिल्ट्रेशन से ऊपर का सामान गायब सेडिमेंटेशन से नीचे की गंदगी गायब बीच में आपका क्या बच चुका है बीच में आपका बच चुका है पानी जो कि कहलाता है इफ्लुएंट अब इस पानी को आपने कहा भेजा अब इस पानी को आपने भेजा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट यहां पर क्या बचा है इस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बचा है ऑर्गेनिक मैटर बचा है तो क्या करोगे यहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ करा दोगे और वो भी कैसे बैक्टीरिया है आपके एरोबिक बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया और ये एसोसिएटेड है आपके फंगस के साथ तो क्या बना लेंगे फ्लॉक्स बना लेंगे फंगल फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड है इन्हें कहा जाता है फ्लॉक्स तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते करते ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना स्टार्ट कर देगा राइट right? ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना स्टार्ट कर देगा तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यहां पर क्या हुआ ऑर्गेनिक मैटर आपका

बीओडी का मतलब पानी साफ पानी साफ हो गया तो अब पानी के अंदर की गंदगी हट गई है लेकिन ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस तो जमा रह गए ना एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस तो जमा रह गए तो आप यहां पर क्या करो आप यहां पर डाल दो अन एरोबिक बैक्टीरिया अन एरोबिक बैक्टीरिया अन एरोबिक बैक्टीरिया है यानी ऑक्सीजन की कमी में काम कर सकते हैं तो इन्हें दे दो अनएरबिक कंडीशन अगर अन एरोबिक कंडीशन दे दी तो ये वाले बैक्टीरिया वैसे ही अधमरे हो जाएंगे इन पर अनोबिक बैक्टीरिया वैसे अटैक कर देगा यानी एरोबिक बैक्टीरिया जो इतने ज्यादा मात्रा में जमा हुए थे उन सबका खात्मा कर देगा आपका बैक्टीरिया बैक्टीरिया और को मारने की आवश्यकता है नहीं जब आप इसे नॉर्मल हाई ऑक्सीजन वाली कंसंट्रेशन में रखेंगे कंडीशन में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनएक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन के अंदर काम नहीं कर सकते ये आपका हो जाएगा ये नॉर्मल सी बात है राइट दिस इज द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ योर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अब इसके ऊपर अगले दस क्वेश्चन आएंगे देख लेते हैं क्या क्या होता है थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा होगा वी विल शॉल्ड इन टू अकाउंट प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट इन वॉल्स विच प्रोसेस प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या आया सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ऊपर का सामान गायब सेडिमेंटेशन नीचे की आपकी सिल्ट क्ले सब गायब उत्तर क्या हो जाएगा सी एक ही बार में पकड़ में आ गया इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्राइमरी ट्रीटमेंट इनवॉलिंग रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग बाय ऊपर का जो सामान है जूता वूता पॉलिथीन तैर रही है, उसको से फिल्ट्रेशन से तो कैसी फिल्ट्रेशन है ये आपकी प्रेशर फिल्ट्रेशन वैक्यूम फिल्ट्रेशन सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन फटाफट बताओ ऊपर का सामान है तो सेडिमेंटेशन तो रिमूव हो गया तो डी मत करना यह है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन मतलब आपकी मोटी चीजें सबसे पहले पकड़ में आ जाएंगी नॉर्मली ऊपर ऊपर से उसके बाद आपका कोई टॉफी का रैपर है जो नॉर्मली समझ लो नहीं पकड़ में आ रहा जाल में तो पानी को एक बार एक फिल्ट्रेशन पोर से पास करा दो सारे कागज वागज वहीं अटक जाएंगे आगे पानी चला जाएगा तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन इसे बोला जाता है सिक्वेंस में मूव करके आप चीजें निकालते हो फिफ्टी इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर रिमूवल ऑफ ग्रिट यानी जो आपका कीचड़ मिट्टी वगैरह है वो नीचे फिल्ट्रेशन से नहीं बल्कि सेडिमेंटेशन से किया जाता है तो सेडिमेंट के फॉर्म में जमा हो जाते हैं ये भी आपका करेक्ट है इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन द सॉलिड दैट सेटल फॉर्म एक्टिवेटेड स्लज सेकेंडरी स्लज प्राइमरी स्लज या बोथ ए एंड सी क्या बनेगा दोस्त यहां पर इसे बोलते हैं आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज बना है ना नीचे चीजें सेटिमेंट हो गई इसे बोला प्राइमरी स्लज एक तो आपका ऊपर इफ्लुएंट था यह तो आपका था, नीचे से क्या बना? बना. बना. और ऊपर जो पानी बच गया है क्या है इफ्लुएंट ओके तो प्राइमरी स्लज बना सुपर नेटेंट जो ऊपर का पानी है इसे क्या बोल दोगे इसे बोल दोगे इफ्लुएंट इसे बोल दोगे इफ्लुएंट ये सारी बातें पढ़ी पढ़ाई थी तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक टू अनदर टैंक फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था जो आपका प्राइमरी स्लज है वो नीचे बैठ गया सेडिमेंटेशन से ऊपर की फिल्ट्रेशन से बड़ी बड़ी चीजें आपने हटा दी बीच में जो साफ पानी था यानी जिसमें बड़ी और छोटी गंदगी हट गई थोड़ा बहुत जो जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो पानी क्या है इफ्लुएंट तो इस इफ्लुएंट को ले जाओगे ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इस इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाओगे अब आपका क्वेश्चन आ गया किसी और चीज पे पहले देखते हैं यार और कितने क्वेश्चन हैं आपके वही करते हैं सबसे पहले द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वॉज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट को मैं क्या कह रहा था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कह रहा था क्योंकि यहां पर क्या है मेरे दोस्त आपके माइक्रोब्स का इस्तेमाल भी किया जाता है फ्लॉक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है राइट फ्लॉक्स मतलब बैक्टीरिया और फंगस का इस्तेमाल किया जाता है तो ये है 71 का सी 72. टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन टैंक डाइजेस्टर टैंक एरेशन टैंक या डिटॉक्सिफिकेशन टैंक बैक्टीरिया के नाम से उत्तर निकालो बैक्टीरिया के नाम से उत्तर निकालो बैक्टीरिया कौन से थे आपके एरोबिक बैक्टीरिया थे ना इनिशियली आपके एरोबिक बैक्टीरिया आ रहे थे जो कि फ्लॉक्स बना रहे थे तो एरोबिक बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए वी हैव एरेशन टैंक्स ना एरेशन टैंक आपका हो जाएगा वट काइंड ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन फ्लॉक्स जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं तो फ्लॉक्स में क्या थे आपके एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगस तो बैक्टीरिया कैसे थे एरोबिक प्लस फंगस बैक्टीरिया बहुत बाद में आए थे अनएरोबिक बैक्टीरिया बहुत बाद में आए थे जब आपको एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना था उस टाइम पे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज फ्लॉक्स इज एसोसिएटेड विद विच माइक्रोब फ्लॉक का मतलब क्या है बैक्टीरिया और अलगी बैक्टीरिया और फंगस एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस को फ्लॉक बोल दिया ये पहले से पता था वट इज बीओडी बीओडी का फुल फॉर्म क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका आंसर हो जाएगा राइट right? बीओडी अगर पानी गंदा है अगर गंदा पानी है गंदा पानी है तो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा पानी गंदा है ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा यानी बीओडी ज्यादा सिमिलरली पानी आपका साफ होता जाएगा तो कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी बैक्टीरिया को तो यह है आपका बीओडी द फ्लॉक्स प्रेजेंट इन लार्ज एरेशन टैंक कॉजेज डैश इन बीओडी अगर फ्लॉक्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो बी की मात्रा क्या होगी कम होगी ज्यादा होगी कोई चेंज नहीं बढ़ सकती है कम भी हो सकती है भाई अगर फ्लॉक्स प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया का काम क्या है ऑक्सीजन को यूज करके ऑर्गेनिक मैटर को कम करना ऑर्गेनिक मैटर को कम करेगा तो उनकी बायोलॉजिकल बायो ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी पानी को साफ करते हैं ना फ्लॉक्स तो बी डिक्रीज होगी क्योंकि जितना साफ पानी जितना कम ऑर्गेनिक मैटर उतना कम बी राइट right, तो BOD हमें वक्त के साथ कम करना है मिनिमाइज करना है उत्तर हो जाएगा ए बीओडी कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सीओ टू कंज्यूमड यही गलत हो गई ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंज्यूम होता है बिकॉज इट इज डिमांड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन वन डेसी लीटर एक लीटर पानी में नापा जाता है यह बात गलत हो गई अमाउंट ऑफ ओ टू कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन वन लीटर ऑफ वाटर इज ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया अमाउंट ऑफ ओ टू कंज्यूम्ड इफ ऑल इनऑर्गेनिक मैटर इन वन लीटर इज ऑक्सीडाइज बाई द बैक्टीरिया फटाफट बताओ क्या होना चाहिए उत्तर या डी कौन कर रहा है इनऑर्गेनिक मैटर को कौन यूटिलाइज करता है भाई आपको ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना है ना आपके एक्सक्रीटा में क्या पाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है तो आपको ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना है इनऑर्गेनिक मैटर में क्या ही तोड़ोगे भाई ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो सी टू को तोड़ करके सी ऑर ओ टू बना देगा नहीं हो सकता ना लेकिन आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इसको तो तोड़ के सी ओ टू प्लस एच टू ओ बना सकते हो ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक करना है राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन तभी हो पाएगा सेवनटी एट बी इज द मेजर ऑफ बी का मतलब क्या होता है कि पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर है कितना इनऑर्गेनिक मैटर कितनी टॉक्सिसिटी कितना बैक्टीरियल लोड बी डायरेक्ट मेजर है ऑर्गेनिक मैटर का अगर बीओडी ज्यादा यानी पानी में गंदगी ज्यादा यानी कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा अगर बीओडी कम पानी में गंदगी कम ऑर्गेनिक मैटर कम यानी बीओडी जितना ज्यादा होगा उतना ही ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आपके यहां पर हो जाएगी सेवेंटी नाइन बीओडी डैश पोल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ वॉटर BOD और पॉल्यूशन का क्या रिलेशन है जितना ज्यादा बीओडी उतना गंदा पानी यानी उतना ज्यादा पॉल्यूटेड तो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूटिंग पोटेंशियल जो पीछे लिखा है ये सेम इक्वेशन आगे क्वेश्चन बन करके आ गई है वंस बीओडी फ्रॉम सीवेज इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली द फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट एंड इट इज नोन एज एक बार बीओडी कम हो जाए तो बैक्टीरिया और फंगस को अलग कर लिया जाता है साफ पानी ऊपर रहता है बैक्टीरिया फंगस को अलग कर लिया जाता है इसे क्या बोला जाता है प्राइमरी स्लज सेकेंडरी स्लज एक्टिवेटेड स्लज इन एक्टिवेटेड स्लज इसे क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज राइट इसको हम लोग फिर फर्दर डिग्रेड करा देते हैं इन आपके एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से और इसमें से कुछ जो छोटा हिस्सा है वो दोबारा से पंप कर देते हैं टैंक में जिससे कि बार क्या है क्या दिखाया हुआ है बायोगैस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फर्मेंटर या डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स क्या है ये आपके फर्मेंटर्स हैं सौ से हजार लीटर के कंटेनर्स हैं जिनमें आपकी शराब वगैरह बनती है द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज इन टू लार्ज टैंक डाइजेस्टर आपका एक्टिवेटेड स्लज पर भेजा जाएगा डाइजेशन के लिए कहां पर उसे बैक्टीरिया मिलेंगे कहां पर मिलेंगे उसे अनएरोबिक बैक्टीरिया भाई बैक्टीरिया है तो अनएरो स्लज डाइजेस्टर हो गया क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करते हैं तो इनका नाम स्लज डाइजेस्टर हो गया और बैक्टीरिया यहां पर एरोबिक की बैंड बजाएगा तो नाम के आगे आ जाएगा इट इज द डी आंसर इन एन अन स्लज डाइजेस्टर अनएरो डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया डाइजेस्ट विद माइक्रोब जो अन एरोबिक बैक्टीरिया है किसको डाइजेस्ट करेंगे फ्लॉक के फंगस को फ्लॉक के बैक्टीरिया को या दोनों को के फंगस को फ्लॉक के बैक्टीरिया को या दोनों को ओवरऑल फ्लॉक को डाइजेस्ट करेंगे ना तो दोनों को डाइजेस्ट कर देंगे राइट वट इज शोन इन द फिगर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फर्मेंटेशन प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर बहुत चिकने चिकने ऑप्शन बनाए हैं लेकिन आपको घबराना नहीं है जो आप सोच रहे हो वो एब्सोल्यूटली करेक्ट है जो आप सोच रहे हो वो एकदम करेक्ट है मेरे दोस्त इट इज अ फर्मेंटेशन प्लांट पर पहले वहां पर आदमी खड़ा नहीं दिखाया था लास्ट डायग्राम के अंदर ये सेम फर्मेंटेशन प्लांट है ये फर्मेंटर लगे हुए हैं पर सेम फर्मेंटेशन प्लांट है बस यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ दिखा दिया है इन डाइजेस्टर जब बैक्टीरिया फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करता है तो कौन कौन सी गैस निकलती है बायोगैस या गोबर गैस निकलती है तो उसके अंदर कौन सी गैस होंगी ओके बायोगैस निकलती है स्पेशली गोबर गैस में तो गोबर का जिक्र आ जाएगा यहां पर बैक्टीरिया से सिर्फ बायोगैस तो कौन कौन सी निकलेंगी बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट कौन है बायोगैस का आपका मीथेन तो क्या निकाल दो मीथेन निकाल दो हाइड्रोजन सल्फाइड निकाल दो सीओ टू निकाल दो हाइड्रोजन भी निकल सकती है सारी चीजें यहां पर निकलती उत्तर हो जाएगा डी द गैसेज दैट इवॉल्व फ्रॉम अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कॉन्स्टिट्यूट यानी जो गैसेज निकलेंगी अन एरो स्लज डाइजेस्टर से उन्हें हम क्या कह रहे थे बायोगैस कह रहे थे ये बायोगैस है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मीथेन फिर है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड फिर है आपका हाइड्रोजन वगैरह या फिर आपका सीओ टू भी यहां पर निकल सकता है ये सारी गैसेस बायोगैस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट इफ्लुएंट इज रिलीज इन टू यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद आपका जो अब साफ पानी है वो कहां भेज दिया जाएगा डाइजेस्टर टैंक में फिल्ट्रेशन यूनिट में वाटर बॉडी में या केमिकल ट्रीटमेंट यूनिट में कहा भेजा जाएगा एनसीआरटी टी खोल के रखो इसमें गलती होगी नहीं हो रही दैट्स वेरी गुड यहां पर पानी के अंदर छोड़ दिया जाएगा भाई आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दो ही स्टेप्स थे ना एक आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है तो गंदा पानी साफ हो चुका है तो इसे वॉटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाएगा राइट चलो ओके तो ये बाद में करेंगे पहले बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे लेट्स हैव अ लुक ऑन दैम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे तो यहां पर आपका पी क्यू आर एस टी यू बताना है यह क्या है आपका सबसे पहले बैक्टीरियो फेज है राइट और यह क्या हो जाएगा यह आपका टोबैको मोजैक वायरस है यह आपका टोबैको मोजैक वायरस है तो 62 में पूछा है फिगर ए क्या है फिगर ए क्या है आपका

ऊपर अलग से दिखाई दे रहा है आर क्या है यहां पर आर क्या है आपका यह नेक रीजन के नीचे क्या है यानी कॉलर रीजन के नीचे आपको क्या दिखाया हुआ है आर क्या है राइट यह क्या बताया हुआ आपको टेल बताई हुई है नीचे का पूरा पार्ट ये आपका हेड है या आपका कॉलर है ये आपका पूरा टेल बताया जाता है यहां तक एंड प्लेट तक उसके बाद टेल फाइबर्स और प्रॉन्स निकलते हैं सिक्सटी सिक्स में आपका यू क्या है ये जो नीचे है जो आपका अटैच होगा बैक्टीरियल सर्फेस से अटैक करते टाइम ये क्या है सिक्सटी सिक्स क्या है दे आर प्रोंग ओके और आपका क्यू क्या है क्यू क्या है क्यू क्या है आपका हेड के नीचे क्या थी कॉलर थी तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉलर हो जाएगा एंड टी क्या है टी क्या है इस प्रोंग से पहले क्या है आपका टी क्या है फटाफट बताओ टी क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएंगे पिंस क्योंकि तो नीचे होते हैं आपके प्रिंस और प्रॉन्स तो प्रॉन्स तो सबसे नीचे वाला पार्ट जो बैक्टीरिया पे अटैक होगा और जहां से वो ओरिजिनेट होंगी इनिशियल दे आर पिंस ये आपकी एंड प्लेट है ना तो इस पर यह पिंस लगी हुई है ये पिंस है और इसके बाद ये प्रोंग्स है तो आपका यू तो प्रोंग हो गया और टी क्या हो गया आपका पिन ठीक है और ये क्या हो गई एस आपकी हो गई टेल प्लेट आर क्या हो गई टेल क्यू क्या हो गई कॉलर पी क्या हो गई आपका हेड ये हो गया नजर नहीं आ रहा बट कोई बात नहीं एनसीआर का एक ही डायग्राम है सारा एज इट इज आपको विजुअलाइज करवा के दिखाया हुआ है कोई इशू नहीं है देखो मैं आपको थोड़ा सा मैग्निफाई करके दिखा देता हूँ देखो ये क्या है पी क्या है हेड दिखाई दे रहा है साफ साफ ये पी क्या है आपका हेड हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगी कॉलर हो जाएगी क्यू नीचे आपका टेल रीजन हो जाएगा आर नीचे एस क्या है आपकी प्लेट हो जाएगी फिर नीचे टी जो है ये छोटी छोटी चार पांच पिन दिखाई दे रही है आपकी पिन हो जाएंगी और ये जो आपके छह सात ऐसे पैर दिखाई दे रहे हैं छह होते हैं ये आपके क्या है प्रॉन्ग्स हो जाएंगे ये आपका एडिनोवायरस वायरस है ये आपका टोबैको मोजैक वायरस है दिस इज द डायग्राम फिगर बी क्या है फिगर बी आपका जैसा मैंने बोला अडीनो वायरस है एडिनोवायरस वायरस हो जाएगा राइट फिगर सी क्या है आपका टोबैको मोजैक वायरस है टोबैको मोजैक वायरस हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन फिर हम कर ही चुके हैं राइट right? ये सारे क्वेश्चन फिर हम कर ही चुके हैं Which मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान गंगा और यमुना नदी के पॉल्यूशन पोटेंशियल को कम करने के लिए उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर के एमिशन को कम करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री आगे आई थी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर गलत है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड डिजीज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एटी एट का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट यह आपका आंसर हो जाएगा एनवायरमेंट पॉल्यूशन को रोकने के लिए एनवायरमेंट पॉल्यूशन में ही वाटर पॉल्यूशन आता है तो इसी में आपकी गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान आए बायोगैस का मेन कॉन्स्टिटुएंट कौन है आपको बताया था मीथेन है उसके बाद एच टू एस भी हो सकता है सीओ टू भी है हाइड्रोजन भी है लेकिन मेन कौन है आपका मीथेन तो उत्तर क्या हो जाएगा एट्टी नाइन का आपका बी द गैस प्रोड्यूस्ड एज एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रोब डिपेंड अपॉन यानी कौन सी गैस बनेगी एज एन एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबोलिज्म ऑफ एनी माइक्रोब डिपेंड्स अपॉन वॉट नेचर ऑफ माइक्रोब एंड सबस्ट्रेट कि वो क्या खाता है और नेचर का माइक्रोब माइक्रोब का नेचर क्या है नेचर ऑफ डाइजेस्टर टैंक एंड माइक्रोब नेचर ऑफ माइक्रोब ओनली ऑक्सीजन लेवल इन द डाइजेस्टर टैंक बाय नेचर ऑफ माइक्रोब तो मैटर करता ही है कि वो किस चीज पर फीड कर रहा है कार्बन सोर्स पे फीड कर रहा रहेगा तो सी टू बनाएगा सल्फर सोर्स पे फीड कर रहा होगा तो एच टू एस बनाएगा

बैक्टीरिया हैं और वो भी आर की बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन पर ग्रो करते हैं गट ऑफ रूमिनेंट में ग्रो करते हैं ये आर की बैक्टीरिया हो जाएंगे मिथेनोजन्स थर्मोफिल्स एसिडोफिल्स ये आपके आर की बैक्टीरिया मिथेनोजन्स आर डैश माइक्रोब अनएरोबिक एरोबिक माइक्रो एरोफाइल्स या एरोब्रॉन्ट कुछ नहीं है जबरदस्ती के ऑप्शन बनाए हुए हैं एरोबिक या अनएरोबिक ये पाए जाते हैं ओके ये पाए जाते हैं गट ऑफ रूमिनेंट में क्या वहां ऑक्सीजन होगा नहीं होगा भाई बिल्कुल नहीं होगा बैक्टीरिया और दूसरी बात सोचो स्लज डाइजेस्टर में मीथेन बन बन रहा था बायोगैस रही थी वहां तो सारे ही बैक्टीरिया एनएरोबिक थे बात समझ पा रहे हो लिंक कर पा रहे हो कंसेप्ट को जब अन स्लज डाइजेस्टर आया इन टू प्ले इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तब जाके बायोगैस बनी थी तो अन बैक्टीरिया बनाता है आपका बायोगैस लिंक कर पा रहे हो चीजों को तो उत्तर क्या हो जाएगा अनुबिक विदाउटन प्रोड्यूस विच गैसे बना लेता है सीएच फोर एच टू H2CO2 टू बना सकता है H2CO2 टू एस एच टू टू नहीं बनाता ओके okay, तो सबसे प्रॉमिसिंग वाली देखनी पड़ेगी यहां पे फटाफट बताओ सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये बता दो बस सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है भाई बायोगैस में मिथेन नहीं बनेगी तो काम नहीं चलेगा यहां पे मिथेन नहीं है यहां पे मिथेन ही नहीं है मतलब ये वही बात हो गई कि एक लड़की की शादी है और वही शादी पे नहीं आई तो शादी नहीं हो सकती अगर तुम बायोगैस की बात कर रहे हो अगर तुम मिथेनोजन की बात कर रहे हो और मिथेन नहीं बनाया नाम ही मिथेनोजन है मतलब मिथेन बनाने वाले बैक्टीरिया मिथेन नहीं बनाया तो काम नहीं चलेगा बनाना पड़ेगा भाई चाह करके भी ऐसा नहीं हो सकता कि मिथेन ना बने बनाना पड़ेगा एक बार को एसटूएस ना बनाओ चलेगा कोई दिक्कत नहीं है मिथेन तो बनेगा भाई द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन स्लज इज अनुबिकोबैक्टीरियम नाम में आपका मिथेन नहीं है मिथेनो बैक्टीरियम साइनोबैक्टीरियम साइनोबैक्टीरियम मिथेन क्यों ही बनाएगा मिथेनो बैक्टीरियम नाम में ही मिथेन है दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है भाई मिथेन है ना नाम में ही आ रहा है मिथेनोजन नाम में मीथेन है मीथानोबैक्टीरियम नाम में मीथेन है मीथानोबैक्टीरियम मतलब मीथेन बनाने वाले बैक्टीरियम काम खत्म हो जाता है दैट्स इट 95 द र्यूमन ऑफ कैटल हार्बर्स विच बैक्टीरिया र्यूमन के कैटल में कौन रहता है र्यूमिनेंट के र्यूमन में कौन रहता है मीथेनोजन साइनोबैक्टीरिया सेलुलोजंस इथेनोजंस यानी सेलुलोज बनाने वाले मीथेन बनाने वाले इथेन बनाने वाले भाई मीथेनोजंस यही फिर गाय के गोबर के साथ बाहर आते हैं और उस गोबर को जब आप ट्रीट करेंगे तो मिथेनोजन सेंस वहां प्रेजेंट है तो ये मिथेन बनाएंगे यानी गोबर गैस बनाएंगे इसीलिए उस गैस का नाम गोबर गैस है वट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन ऑफ कैटल क्या काम करते हैं बैक्टीरिया ये ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं आप सेल्युलोज नहीं पचा सकते लेकिन ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज पचाने में हेल्प करते हैं कैटल को तो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज सिंथेसिस ऑफ भाई बैक्टीरिया का रोल क्या है है बनाता लेकिन अब के अंदर थोड़ी बना देगा वो तो बाहर ट्रीटमेंट के बाद गोबर गैस को, को आप लोग बायोगैस भी बोलते हैं दोनों में ही मेन कंपोनेंट आपका मीथेन पाया जाता है द डेप्थ ऑफ कंक्रीट टैंक अ पार्ट ऑफ बायोगैस प्लांट रेंजिस फ्रॉम डैश टू डैश मीटर या फीट इट इज एक कंक्रीट का टैंक बनाया जाता है जमीन के के अंदर अंदर वो कितने फीट का होता है आपका बायोगैस प्लांट के अंदर. तो जो आपका मिथेन गैस प्लांट है या बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट है इसमें 10 से 15 फीट का आपको क्या मिलेगा डीप कंटेनर मिलेगा मीटर में कंफ्यूज मत हो जाना है फीट है 10 से 15 फीट का आपका कंटेनर है उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर रहेगा इस साइड से स्लरी डालने के लिए आपका इनलेट रहेगा दूसरी साइड से गैस निकालने के लिए आउटपुट रहेगा स्पेंट स्लरी निकालने के लिए भी आउटपुट रहेगा जिसको आप एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हो यानी जितनी स्लरी आपकी इस्तेमाल हुई बायोगैस बनाने के लिए वो बायोगैस बना लेगी कुकिंग और लाइटिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो जाएगा बची हुई जो आपकी स्लरी है जिसे स्पेंट स्लरी कहते हैं जिससे मिथेन नहीं बन पाई वो आप खेतों में इस्तेमाल कर सकते हो तो इसमें नुकसान कोई भी नहीं है प्रश्न नाइन्टी नाइन वट इज इमपुट मटीरियल ऑफ बायोगैस प्लांट बायो वेस्ट स्लरी ऑफ डंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बोथ एंड बी क्या डालते हो आप बायोगैस प्लांट में एज एन इमपुट मटीरियल देखो स्लरी ऑफ डंग तो डालोगे गोबर तो डालना पड़ेगा तभी गोबर गैस है और बायो वेस्ट मतलब आपके घर में कोई छोटा मोटा बायोलॉजिकल वेस्ट है कोई आपका एनिमल वेस्ट है कोई सब्जियों के छिलके बच गए फलों के छिलके बच गए बची हुई चाय पत्ती है वो झाड़ दी ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो आपका आएगा भाई इंडस्ट्री गांव में कहां से लेके आओगे उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर हंड्रेड सेंचुरी मार दी है ए डैश इज प्लेस्ड ओवर स्लरी इन बायोगैस प्लांट स्लरी के ऊपर क्या प्लेस किया जाता है गैस होल्डर फ्लोटिंग कवर डाइजेस्टर या गैस फिल्टर ऐसी क्या चीज है जो ऊपर उठेगी गैस के बढ़ते अमाउंट के साथ और आपको पता लग जाएगा गैस बन चुकी है भैया नलकी से निकाल लो लाइटिंग और कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर लो उसे कहा जाता है फ्लोटिंग कवर ये फ्लोट करता है आपका बहुत ज्यादा गैस का प्रेशर बनते हैं जैसे प्रेशर कुकर की सीटी ऊपर फ्लोट करने लग जाती है राइट ऐसे ट्र करके आवाज आएगी वो ऊपर रहेगी तब तक फिर नीचे बैठ जाती है जब आपका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा तो सीटी नीचे आ जाएगी सिमिलरली यहाँ पर फ्लोटिंग कवर ऊपर जाता जाता है जैसे गैस जमा होगी आप नलकी से गैस निकालते रहोगे तो फ्लोटिंग कवर नीचे बैठता चला जाएगा तो ये क्या है फ्लोटिंग कवर 101 सौ एक द स्पेंट स्लरी इन बायोगैस प्लांट इज यूज एज जो स्लरी आपकी मिथेन बनाने के काम नहीं आई वो एज अ पेस्टिसाइड या आपकी एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल हो जाएगी खेतों में क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट तो है ही अपार्ट फ्रॉम कुकिंग बायोगैस किस लिए इस्तेमाल की जाती है कुकिंग और लाइटिंग में तो कुकिंग के अलावा लाइटिंग एनसीआरटी के सीधे सीधे वर्ड है याद है तो प्यार से कर लोगे विच एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बायोगैस प्रोडक्शन बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भारत में कौन से इंस्टीट्यूट ने अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया था आई आर आई 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 टी आई एस सी आई एम के वी आई सी फटाफट बता दो उत्तर क्या हो जाएगा एक तो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन और एक आपका हो जाएगा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आई यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का कोई लेना देना नहीं था उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त उत्तर हो जाएगा आपका सी 103 का सी 104 सौ चार आई आर आई स्टैंड फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हो जाएगा बायो कंट्रोल रिफर्स टू बायो कंट्रोल मतलब बायोलॉजिकली चीजों को कंट्रोल करना इनडिसक्रिमिनेट यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर यूज ऑफ माइक्रोब टू कंट्रोल प्लांट डिजीज यूज ऑफ माइक्रोब टू यूज कैटल डिजीज या बोथ बी एनसी बहुत सतर्कता से जवाब देना एनसीआरटी खोल लो अपनी एनसीआरटी खोल लो क्या बायो कंट्रोल का इस्तेमाल एनिमल डिजीज के लिए इस्तेमाल किया गया था या सिर्फ प्लांट के लिए सब लोग फिसल गए हैं चिकने ऑप्शन के ऊपर सब लोग फिसल गए ए टू जेड अंकित अविरूप अंजलि सब फिसल गए भाई एनसीआर खोलो यार एक बार झांको क्या पूछा है कौन से कैटल डिजीज के लिए तुमने बायो कंट्रोल देख लिया कि कैटल को कोई मारने आ रहा था तुमने उसे मार दिया है ऐसा कहां है राइट right? भाई प्लांट को कोई खाने के लिए आ रहा है तो उसके अंदर आपने बीटी जो है के जीन डाल दिए कोई प्लांट को खाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी एनिमल को कौन खाने आता है अगर ऐसे तुम्हारे गांव में होता है तो भाई झटपट झोला झंडी बांधो नीट वीट बाद में निकलो वहां से साले जॉम्बीज हैं वो <laughs> अगर तुम बैठे हो और तुम्हें आके कोई काट ले रहा है तो तुम सेफ जगह नहीं हो भाई अगर तुमने गलती से भी सी मार दिया तो भाग जाओ जगह से <laughs> क्योंकि दुनिया में ये नहीं हो रहा सिर्फ तुम्हारे गांव में हो रहा है ये तो भाग जाओ अभी नीट वीट का देखा जाएगा पहले जान बचा लो चलो सौ रेड एंड ब्लैक मार्किंग क्या कहा जाता इसे? Beetle, vast, है इसे ड्रैगन फ्लाई लेडी बर्ड बीटल एंड जबरदस्ती का क्वेश्चन है लेडीबर्ड बीटल कहा जाता है काली लाल मार्किंग इसके ऊपर होती है राइट ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रेड ऑफ ड्रैगन फ्लाई किसे खा जाती है लेडीबर्ड एफिड मॉस्किटो या बोथ बी एंड सी फ्लाई किसे खा जाती है फटाफट बट बताओ ड्रैगन फ्लाई खा जाती है आपके मस्कीटोज को दूस टू हेल्प यू टू गेट रीड ऑफ मस्की बटरफ्लाई कैटरपिलर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ माइक्रोब बटरफ्लाई कैटरपिलर किससे कंट्रोल हो पाएंगे बेसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, केमोफिलस टर्मिनेट्स या थोरिंजेंसिस इसमें से तुमने नाम ही एक सुन रखा होगा इसमें तुमने नाम ही ले दे कि एक सुना है जो इंसेक्टिसाइडल होता है दैट इज गोइंग टू बी बेसिलस बेसिलसूर जिसको बीटी टॉक्सिन बोला जाता है बीटी इज अवेलेबल इन सैशे कैप्स्यूल सीड या बोथ ए एंड बी बीटी जो है सेशे के अंदर मिला जाता है इसके अंदर क्या होते हैं बीटी के स्पोर्स होते हैं आपको क्या करना रहता है इन्हें पानी में मिलाना होता है और पानी में मिला करके छिड़कना होता है स्प्रे करना होता है राइट तो स्पोर्ट्स के फॉर्म में होता है फिगर क्या है भैया ये प्राइमरी ट्रीटमेंट एक्टिवेटेड सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फ्लॉक कौन सा ट्रीटमेंट है यहां पर दिखाया जा रहा है एनसीआरटी की बात है फिगर में क्या है आपका एब्सोल्युटली करेक्ट इट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट एनसीआरटी देखो साफ साफ पता लग जाएगा बीटी स्पोर्स आर मिक्सड विद डैश एंड स्प्रेड ऑन वॉलर प्लांट जैसा मैंने आपको बताया पीछे लिखवा रखा है पानी में मिलाओगे तब जाकर के काम चलेगा तो बीटी स्पोर्स किस में मिलाओगे वॉटर में मिलाओगे तब जाकर के काम हो पाएगा साइंटिस्ट हैीन इन टू प्लांट टू इम्पार्ट रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट बी टी जीन आपका अंदर डाला जाता है जिससे कि बढ़िया तरीके से प्लांट रेजिस्टेंट हो पाए अलग अलग

पेस्ट के अगेंस्ट आपका ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया जाता है ट्राइकोडर्मा नाम के फंगस का इस्तेमाल किया जाता है ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन आप रिंग वॉम में पढ़ते हो अलग से ओके एस्पर जिलस का इस्तेमाल नहीं किया जाता वो आपका सिट्रिक एसिड के लिए है। ओके और बाकी आपका मोल्ड में आ गया डैश आर द पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थरो ऐसे पैथोजन जो इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड को हार्म करते हो रईनो वायरस रानिकेत वायरस बेक्यूलो वायरस या बीन वायरस आपका क्या हो जाएगा यहां पर आंसर आपका यहां पर आंसर हो जाएगा बैक्यूलो वायरस बैक्यूलो वायरस स्पेसिफिकली आर्थ्रोपोड और इंसेक्ट को हार्म करता है बैक्यूलो वायरस बिलोंग टू द जीनस ये किस जीनस से बिलोंग करता है रेट्रोहाइड्रोवायरस न्यूक्लियोहाइड्रोवायरस वायरस आपने एक ही नाम सुना होगा इसमें से सिर्फ इस चैप्टर के अंदर कौन सा है वो एक बड़ा जीनस जिसमें आपका बैक्यूलो वायरस बिलोंग करता है इट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियो पोली ये आपका आंसर हो जाए। ये एक जीनस है जिसमें वैकिलो वायरस होता है न्यूक्लियो पोली स्पेसिफिकली इंसेक्ट्स को नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं तो स्पेसिफिकली ट्रैक करते हैं आईपीएम का मतलब क्या है आईपीएम का मतलब है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आप जिस इंसेक्ट को मारना चाहते हैं पेस्ट को मारना चाहते हैं सिर्फ वही आपका मरे बाकी पेस्ट को कोई हानि ना पहुंचे तो आपको स्पेसिफिकली यहां पर उन्हें अटैक करना पड़ता है लेगुमिनस प्लांट की रूट किस माइक्रोब के साथ एसोसिएशन बनाती है रूट नॉड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट किस माइक्रोब के साथ एसोसिएशन बनाती है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके साथ बनाएंगी राइजोबियम के साथ बनाएंगे राइजोबियम यहां पर बाउंड स्टेट में यानी रूट के साथ एसोसिएट होकर नाइट्रोजन को फिक्स करता है यह आपका आंसर हो जाएगा एक सौ अठारह द इमेज इज एन एरियल व्यू ऑफ ऐसी मिलती जुलती इमेज एनसीआरटी में दी हुई है ये क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर है सीवेज प्लांट है फर्मेंटेशन प्लांट है बायोगेस है तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है साफ साफ ऊपर से ही पता लग रहा है ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक सौ उन्नीस डैश आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हो एजो बैक्टीरियम एजोटोबैक्टर तो एसिटोबैक्टीरियम तो एजा तो बैक्टीरियम एक ही नाम है जो करेक्ट है इनमें से उस नाम का जिक्र जो है कर दो अजोटोबैक्टर है अजोटोबैक्टर आपका करेक्ट नाम है जो कि आपका क्या होता है फ्री लिविंग होता है फंगस विच फॉर्म सिंबायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट यानी फंगस का मतलब क्या हो गया माइको और प्लांट के साथ एसोसिएट हो रहा है क्या हो जाएगा दोस्त यहां पर कौन सा फंगस एसोसिएट होता है प्लांट के साथ क्या बनाता है माइकोराइजा बनाता है माइकोराइजल एसोसिएशन जहां पे फंगस फॉस्फरेट और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है प्लांट को प्लांट बदले में उसे क्या दे देता है आपका खाना दे देता है माइकोराइजा एब्जॉर्ब जो मैंने आपको बताया कि वाटर मिनरल फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके दे देता है तो वन का आंसर हो जाएगा बी वन डैश बैक्टीरिया फिक्सेस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट इनमें से एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में कौन सा पाया जाएगा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हो हूं मिथैनोबैक्टीरियम या साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया दोनों जगह पाया जाता है और इनमें आपके मेंबर होते हैं जैसे एनाबीना नोस्टॉक वगैरह नोस्टॉक का आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फिगर भी दिया हुआ है जिसमें हेट्रोसिस्ट नाम के सेल होते हैं और ये हेटेरोसिस्ट नाम के सेल जो हैं

कंक्लूड करने के बाद साइनो यहां पर एसोसिएटेड होता है है जो कि का काम करता ऑर्गेनिक और, न्यूट्रिएंट तो ये खुद बना ही सकता है और आपका इनऑर्गेनिक भी सप्लीमेंट कर पाता है विच एड तो से कौन बना सकता है साइनो ब्लू ग्रीन उत्तर क्या हो जाएगा? अभी राइस वाला केस है ऑर्गेनिक मैटर कौन ऐड कर रहा था सेम चीज हो जाएगी भाई लेकिन यहां पर साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी सेम होता है ना एक ही तो बात है तो उत्तर क्या हो जाएगा ए एंड बी एक ही तो बात है साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गीय वाची है तो सिनोनिम्स है। एक ही के नाम है तो वन ट्वेंटी फोर का आंसर हो जाएगा ए एंड बी वन ट्वेंटी फाइव पी क्या इंडिकेट कर रहा है इस फिगर में पी क्या है भाई पी ये है यहां से क्या डाला आपने गोबर और पानी डाला तो डंग एंड वेजिटेबल वेस्ट डाला आपने वाटर एंड डंग डाला वेजिटेबल एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा डाला या ऑल ऑफ डाल दोगे फटाफट बताओ डंग एंड वाटर डाल दिया ना आपने यूजली वाटर डाला ह्यूमन एक्सक्रीटा क्यों ही डालोगे अब माना भाई घर में आपका बायोगैस प्लांट है तो उसी में पॉटी थोड़ी कर दोगे सुबह सुबह जाकर के राइट जहां गोबर है वहां गोबर ही शोभा देता है तो तुम तो अपनी कलाकारी मत दिखा देना अलग से जाकर के राइट right, वरना गोबर गैस नहीं बनेगी फिर उस गैस का नाम चेंज हो जाएगा वट डज द आर इंडिकेट इन द फॉलोइंग फिगर आर क्या है ये वो पाइप है जिससे तुम्हारे घर में जाती है बायोगैस बन बुना के तो क्या हो गया यहां पर गैस जा रही है ना यहाँ पे तो यहां पर ये गैस लेकर के जा रहा है और राइट वन ट्वेंटी सेवन वट डज एस इंडिकेट इन द फिगर फटाफट बताओ एस क्या है आपका गैस होल्डर के ऊपर क्या लगा हुआ है एस क्या है राइट right? एस अच्छा यहां पे फिर आपका फ्लोटिंग कवर नहीं दिया हुआ है तो आपका एस आपका होल्डर ही हो जाएगा राइट right? प्योरिफायर जैसा कुछ नहीं होता डाइजेस्टर आपका यहां पर है तो यहां पर क्या है आपका ये गैस होल्डर हो जाएगा एक सौ अट्ठाइस वट डज टी रेप्रजेंट इन द फॉलोइंग फिगर टी क्या है यहां पर क्या आएगा बाय प्रोडक्ट कलेक्टर स्लज डाइजेस्टर गैस होल्डर फटाफट पड़ बता दो यहां पर क्या आ जाएगा स्लज आ जाएगा यहां पर आपका स्लज आ जाएगा वट डज यू इंडिकेट इन द फॉलोइंग बाकी एक बार दिनसीआरटी देख जरूर लेना ये यू क्या है आपका यू डाइजेस्टर है जहां पे मेन आपका जुगाड़ होता है यहां पर क्योंकि अलग अलग जगह पे थोड़े एरो दे रखे रहते हैं तो एक बार एनसीआरटी से इसको रेफर कर लेना वैसे हमने सारी चीजें सही बताई हैं बट स्टिल एक बार जाकर के देख लेना यहां पर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर आप डालोगे डंग एंड वाटर यहाँ पर यह आपका डाइजेस्टर यहाँ पे आपका रिएक्शन होगा ये जो है आपका गैस कलेक्टर है और ये आपका फ्लोटिंग कवर हो जाएगा यहाँ से फिर ये फ्लोटिंग कवर उठेगा तो गैस लेकर के जाएगा घरों तक लाइटिंग और कुकिंग के लिए और यहाँ पे आपकी स्पेंट स्लरी जो है ये आपकी जमा होती रहेगी ये आपके सारे के सारे सवाल थे वन सवाल अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट सीरीज ऑप्ट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और टेलीग्राम पर भी आज मैं अपडेट कर दूंगा नोट्स के बाद टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लो आपके पास बचे हुए जो दिन हैं हर दिन एक एक मॉक टेस्ट दो और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी का पेस बढ़ाओ और बाकी मिलते हैं आपसे रात वाले लेक्चर में इन केस अगर होता है तो वरना एक स्पेशल सेशन लेंगे बातचीत वाला सेशन जिसमें आपकी सारी की सारी समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं यूजली ऐसे सेशन नहीं लेता हूँ तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि अगर मैं रोज़ मोटिवेट करने लगूंगा तो तुम मोटिवेट नहीं होगे लेकिन अगर मैं छः महीने में जैसे मेरे लास्ट छः महीने से एक भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं आई है तो तुम जानते हो मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ यहाँ पे तो अगर मैं मोटिवेट करूँगा तो वो बातें सच्ची होंगी रियलिस्टिक होंगी तो जाहिर सी बात है तुम्हें सही लगेंगी जाहिर सी बात है तो कुछ करते हैं ऐसा और पाँच यूनिट्स बची हुई हैं यार जल्दी जल्दी सात दिनों के अंदर खत्म हो जाएंगी कल से लेकर के यानी सात तारीख तक आपका सब कुछ फिनिश हो जाएगा उससे पहले ही हो जाएगा साथ में ले रहा हूँ एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जैसे आज आधे घंटे लेट हो गया मैं लाइट की वजह से क्योंकि बारिश आ रही थी तो लाइट कट गई तो उसके इंतज़ार में थे हम बिकॉज आज संभावना है कि पूरी रात बारिश हो तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पर स्टूडियो की लाइट जला लेता सब कुछ ऑन कर लेता हो सकता है रात में गर्मी में सोना पड़े मच्छर मक्खी काफ़ी सारे हैं तो कल की सारी क्लासेस की टाइमिंग जो है ख़राब हो जाती तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हो जाता है यार कभी इंटरनेट चला जाता है कभी लाइट चली जाती है लेकिन साथ तक सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी राइट आज हमारे आठ चैप्टर बचे हुए हैं बस एक केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन नौ चैप्टर बचे हुए हैं और आज अगर हम कर लेते हैं भाई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो आठ चैप्टर बचेंगे एक एक चैप्टर करना है दिन का प्रैक्टिस और एक एक आपका करना है बढ़िया तरीके से यूनिट का उद्घाटन पहले ही हो जाएगा गारंटी के साथ कह रहा हूं लेकिन तब भी देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप लाइक कर दो इस वीडियो को पाँच सौ लाइक्स पहुंचा दो अगली वीडियो पाँच सौ लाइक होते ही आ जाएगी सिंपल सी बात है मैंने बना रखा है पूरा कॉन्टेंट पाँच सौ लाइक्स कर देना इस वीडियो पे पहले मैं देख लेता हूँ कहीं ज़्यादा पाँच सौ हो ही गए हो फोर सिक्सटी एट पाँच सौ नहीं यार इस पर साढ़े छः सौ लाइक कराओ तब हो गया राइट तभी मैं सोचा था तुम पाँच सौ लाइक करा के ना बैठे हो पहले से ही हाँ तो इस पर साढ़े छः सौ लाइक करा दो तब की तब लाइव आ जाऊंगा मैं आज मैं फ्री हूँ काफ़ी राइट क्योंकि एकदम मस्त है आज हम तो कोई इशू नहीं है तो फटाक से एक बार कर दो ये थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव जय हिंद मिलता हूँ आपसे अगले सेशन के